हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट ट्यूटोरियल में प्री परीक्षण से संबंधित प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था और मुझे ये बताते हुए बहुत ही खुशी है कि उस वीडियो ट्यूटोरियल को आप सब लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया। सबने सेल्फ स्टडी किया है और जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स थे उसको भी सॉल्व किया है। आई एम वेरी हैप्पी अबाउट दैट। इस स्थिति में जहाँ हमारा कॉलेज रेगुलर नहीं हो पा रहा है, वहाँ कम से कम हम इस माध्यम के जरिए जुड़े हुए हैं और आप पूरी तरह से सेल्फ स्टडी करके उसका लाभ भी ले रहे हैं। अब जो नेक्स्ट अपने थर्ड यूनिट में जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है टी परीक्षण के बाद, जो कि है काय वर्ग परीक्षण, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं काय स्क्वायर टेस्ट, उसकी आज हम बात करेंगे। तो जैसा कि हम इसके पहले भी आपको मैं बता चुकी हूँ कि काय वर्ग के लिए एक विशेष चिन्ह इस्तेमाल होता है। इस प्रकार से ये जो चिन्ह है ये काय के लिए इस्तेमाल होता है और इसके ऊपर वर्ग लिखा गया है। ये जो चिन्ह है, अगर आप ज्यादा स्पष्ट तरीके से देखना चाहते हैं तो काय वर्ग के लिए ये चिन्ह इस्तेमाल होता है। अब काय वर्ग परीक्षण हम कहाँ इस्तेमाल करते हैं उसके बारे में संक्षेप में बात करेंगे। टी परीक्षण के बारे में हमने बात की थी कि मनोवैज्ञानिक संशोधन में जब हमारे पास प्रदत्त उपलब्ध होता है तो अलग अलग समूहों की तुलना करनी होती है किसी एक ही उद्दीपक पर, तब मध्यमान के अंतर की सार्थकता देखने के लिए हम टी परीक्षण इस्तेमाल करते हैं। काय वर्ग परीक्षण का इस्तेमाल मनोवैज्ञानिक संशोधन में ही होता है, लेकिन काय वर्ग परीक्षण का इस्तेमाल करने के लिए जो प्रदत्त या डेटा हमारे पास संशोधन में उपलब्ध चाहिए वो थोड़ा अलग तरीके का होता है। काय वर्ग परीक्षण ये चांस हाइपोथेसिस पे आधारित है। ऐसा मान लीजिए कि एक संशोधन के दौरान मैं अगर एक विषय को लेकर संशोधन कर रही हूँ और जैसा आप मान के चलिए कि हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो ट्यूटोरियल में हमने बात की टी परीक्षण के संदर्भ में, टी परीक्षण की महत्वपूर्ण संकल्पनाएं, उसका स्टैटिस्टिकल प्रोसीजर और उसका एक गणित भी हमने सॉल्व करके देखा था। और मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये बताते हुए कि उस वीडियो ट्यूटोरियल को आप लोगों ने बहुत अच्छे से रिसीव किया, उसके साथ आपने सेल्फ स्टडी भी किया, जो प्रॉब्लम टेस्ट प्रॉब्लम्स आपको दिए गए थे प्रैक्टिस के लिए उसको भी आपने बहुत अच्छे से किया है। बहुत ही एक दो क्वेरीज थी कुछ लोगों से जिसको भी हमने सॉल्व किया है टेलीफोनिकली और अब आप टी परीक्षण कर सकते हैं, विश्वास है मुझे, इसलिए अब हम आगे बढ़ रहे हैं। थर्ड यूनिट में जो दूसरा गणित हमें स्टैटिस्टिकल गणित हमें सीखना है वो है काय वर्ग परीक्षण, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं काय स्क्वायर टेस्ट। काय वर्ग के लिए ये जो चिन्ह है मैंने यहाँ बनाया है, आपको इसके पहले भी मैंने बताया था कि जो चिन्ह है ये काय वर्ग परीक्षण के लिए इस्तेमाल होता है। अब काय वर्ग परीक्षण का मैं यहां लिखने जा रही हूं सूत्र। काय वर्ग परीक्षण के लिए जो सूत्र है, समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई, यहां पर कुछ महत्वपूर्ण संकल्पनाएं हैं। एफ ओ जिसे हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, इसे हम हिंदी में क्या कहेंगे, अपेक्षित वारंवारिता या अपेक्षित आवृत्ति। दूसरी कंसेप्ट है एफ ओ, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व, जिसे हम कह सकते हैं निरीक्षित वारंवारिता। काय वर्ग परीक्षण को समझने के लिए सबसे पहले ये दो महत्वपूर्ण संकल्पनाएं जो है, अपेक्षित वारंवारिता और निरीक्षित वारंवारिता, इनमें क्या भेद है और ये दोनों मूल्य जो है अपेक्षित वारंवारिता और निरीक्षित वारंवारिता के कहां से आते हैं
उसके विषय में हम बात करेंगे। टी परीक्षण के विषय में हमने बात की थी कि इस मनोवैज्ञानिक संशोधन में जब भी किसी भी उद्दीपक को लेकर दो अलग अलग समूहों की हमें तुलना करनी होती है उसी उद्दीपक पर, तब हम उन दो समूहों के मध्यमान के अंतर की लक्षणीयता या सार्थकता देखने के लिए टी परीक्षण इस्तेमाल करते हैं। उसी प्रकार से कायवर्ग परीक्षण भी मनोवैज्ञानिक संशोधनों में इस्तेमाल होता है, लेकिन अलग जगह इस्तेमाल होता है। मनोवैज्ञानिक संशोधन जब इस प्रकार के होंगे जहां आप किसी एक प्रश्न को लेकर या किसी एक विषय को लेकर आप लोगों से एक से अधिक प्रतिक्रियाएं ले रहे हैं, जैसा कि अभी के हालात में अगर हम बात करें तो इन अभी की परिस्थिति में अगर मुझे एक संशोधन करना है या मुझे एक सर्वेक्षण करना है जिसमें मैं पूछना चाहती हूँ, मैं अगर 100 लोगों के पास जाती हूँ, इसे एक उदाहरण के तौर पर लेंगे कि मैं 100 लोगों के पास जाती हूँ और मैंने 100 लोगों को पूछा कि अभी कोरोना वायरस से लड़ने के लिए या उसे हराने के लिए या उसको प्रतिबंध करने के लिए प्रशासन की ओर से और सरकार की ओर से जो भी उपाय किए जा रहे हैं, क्या आप उससे संतुष्ट है? इस प्रश्न को लेकर अगर मैं 100 लोगों के यहाँ जा रही हूँ और मैंने उन्हें इन सारे प्रबंधों के बारे में आप संतुष्ट है क्या, अगर ये सवाल मुझे पूछना है तो उनकी संतुष्टि के बारे में मैं उन्हें कुछ विकल्प दूंगी। जैसा कि मैं उन्हें कह सकती हूँ कि आप 3 विकल्प में से कोई एक विकल्प चुनिए, कोई एक पर्याय चुनिए। आप सारे प्रबंधों से संतुष्ट है? हाँ। आप सारे प्रबंधों से संतुष्ट है? नहीं। और तीसरा पर्याय उन्हें दे दिया जा सकता है कि कह नहीं सकते, है ना, या अनिश्चित, मतलब हम अभी जो भी हमने ऑब्जर्व किया है, जो भी हम देख रहे हैं प्रशासन की ओर से जो भी प्रतिबंधात्मक उपाय हो रहे हैं उससे हम संतुष्ट है या नहीं है ये हम अभी ही निश्चित रूप से नहीं बता सकते। तो इस प्रकार से 3 पर्याय मैंने लोगों को दिए, हम संतुष्ट है, हाँ, नहीं, हम संतुष्ट नहीं है, और तीसरा है अनिश्चित, हम अभी नहीं बता सकते। तो ये 3 पर्याय मैंने 100 लोगों को दिए और मैंने अब उनकी राय जो है उसको नोट कर ली। अब 100 लोगों के पास से जो मुझे रिप्लाई आएंगे, कुछ लोगों का रिप्लाई हाँ होगा, 100 में से कुछ लोगों का रिप्लाई नहीं होगा और कुछ लोगों का रिप्लाई अनिश्चित होगा। अब ये जो कायवर्ग परीक्षण है ये बेसिकली चांस हाइपोथेसिस पे काम करता है। जैसे कि हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि कितनी संभावनाएं हो सकती है किसी भी परिस्थिति में, जैसे इस सवाल के 3 जवाब हो सकते हैं। जैसे कि हम एक सिक्के को अगर हवा में उछालते हैं तो उसके 2 पर्याय होते हैं, जीत या पट। तो चांस हाइपोथेसिस के हिसाब से अगर मैं एक सिक्के को एक बार हवा में उछलती हूँ तो वो एक बार जो है वो चित आएगा या पट भी आ सकता है, मतलब 50-50 चांसेस है। मैं अगर 10 बार उसे उछालती हूँ तो कितने भी बार उसमें से चित आ सकता है, कितने भी बार पट आ सकता है, लेकिन प्रोबेबिलिटी हम ये मान सकते हैं कि 50% जो है, मतलब 10 में से 5 बार जो है चित आएगा, 5 बार जो है पट आएगा। अब उस हिसाब से अगर मैं ये प्रश्न को लेकर मैं 100 लोगों के पास जा रही हूँ, या हम उसे 120 कर लेते हैं, अगर मैं 120 लोगों के पास जा रही हूँ 3 पर्याय वाला एक सवाल लेकर, तो उनमें से मुझे जिस प्रकार के प्रतिक्रियाएं या जितनी बारंबारिता, हाँ ये जवाब कितनी बार दिया जाएगा, नहीं ये जवाब कितने लोग देंगे, अनिश्चित ये जवाब कितने लोग देंगे, इस प्रकार की बारंबारिता उनकी प्रतिक्रियाओं से मुझे मिल सकती है। तो 120 लोगों के पास मैं अगर जा रही हूँ तो मुझे ये मान के चलना है संशोधन की शुरुआत में कि मुझे जितने लोग हाँ यह प्रतिक्रिया देंगे उतने ही लोग नहीं यह प्रतिक्रिया देंगे और उतने ही लोग अनिश्चित यह प्रतिक्रिया देंगे। मतलब 120 लोगों में अगर मैं 3 पर्यायों को बांटती हूँ तो 120/3 मतलब 40 लोग, उत्तर आता है 40, तो 40 प्रतिक्रियाएं जो है मुझे हाँ के लिए मिलेंगी, 40 प्रतिक्रियाएं मुझे नहीं के लिए मिलेंगी और 40 ही प्रतिक्रियाएं मुझे अनिश्चित इस प्रकार की मिलेंगी। ये जो मैं संशोधन के पूर्व ही अपेक्षित वारंवारिता मैं मान रही हूँ, अभी जो हमने बात की वो है अपेक्षित वारंवारिता, एक्सपेक्टेड, मुझे क्या अपेक्षा है कि किस प्रकार की प्रतिक्रियाएं मुझे मिलेंगी। तो मैं अपेक्षित कर रही हूँ कि मुझे 40 लोग हाँ कहेंगे, 40 लोग नहीं कहेंगे और 40 लोग जो है वो अनिश्चित कहेंगे। लेकिन जब मैं वास्तव में लोगों के पास जाऊंगी, उनसे जवाब लूंगी, तो ऐसा जरूरी नहीं कि इसी प्रकार की बारंबारिता मिले, आंकड़े भिन्न भी मिल सकते हैं। वो जो परीक्षण के दौरान या सर्वेक्षण के दौरान मिले हुए जो आंकड़े हैं, जो हमने निरीक्षण किया है कि कौन से लोग किस प्रकार की राय रखते हैं, तो उन परीक्षण में या सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़ों को हम कहेंगे निरीक्षित बारंबारिता। और कायवर्ग परीक्षण
ये अपेक्षित वारंवारिता और निरीक्षित वारंवारिता के बीच सार्थक अंतर है या नहीं, या लक्षणीय अंतर है या नहीं, यह बताने की यह विधि है। अब हम जाएंगे इसके प्रोसीजर की तरफ। मैं जैसे हमने तीन स्टेप्स देखे थे वैसे ही मैं इसके स्टेप्स लिख रही हूँ। स्टेप वन में हमें क्या करना है, स्टेप वन में हमें काय वर्ग की वैल्यू निकालनी है। स्टेप टू में हमें क्या करना है, काय वर्ग की वैल्यू निकालने के लिए सूत्र का हम इस्तेमाल करेंगे, वो कैसे करना है बता दें। अब काय वर्ग की जो हम यहाँ वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगी कैलकुलेटेड वैल्यू। अब आप समझते हो क्योंकि आप टी परीक्षण कर चुके हैं, तो सूत्र से जो वैल्यू निकलती है वो है कैलकुलेटेड वैल्यू। स्टेप टू में हमने निकालना है डीएफ की वैल्यू, अभी से आगे हम विस्तार से देखेंगे ही, लेकिन यहाँ पर काय वर्ग परीक्षण में डीएफ की वैल्यू निकालने का सूत्र क्या है, टी परीक्षण से भिन्न है। टी परीक्षण में दूसरा सूत्र था, यहाँ पर दूसरा सूत्र है। यहाँ पर जो है सूत्र है डीएफ का वो किस प्रकार का है, C माइनस वन इंटू आर माइनस वन। यहाँ C से तात्पर्य है कॉलम, वो कैसे देखना है मैं आपको बताऊंगी, और R से है रो, मतलब कितनी लाइनें हैं, इस प्रकार से हम उसे देख सकते हैं। तो इस सूत्र से जो है वो हम डीएफ की वैल्यू निकालेंगे। स्टेप थ्री में हमें टेबल वैल्यू निकालनी है, और स्टेप फोर में अब आप समझ चुके होंगे उसी प्रकार से, स्टेप फोर में हमें क्या करना है, सार्थकता बतानी है। इसमें भी सार्थकता के दो स्तर होंगे, 0.01 और 0.05। और जैसा हम टी का टेबल देखते हैं और टेबल वैल्यू निकालते हैं डीएफ और सार्थकता स्तर के हिसाब से, उसी प्रकार से काय वर्ग के लिए भी डीएफ की वैल्यू निकालनी है। तो ये चार स्टेप्स मैंने लिखे हैं। स्टेप नंबर वन, काय वर्ग का सूत्र लगाकर काय वर्ग की कैलकुलेटेड वैल्यू निकालनी है। उसके बाद डीएफ की वैल्यू निकालने की है, जिसके लिए सूत्र है सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन। सी से तात्पर्य है कॉलम, वो मैं आपको समझाती हूँ, और आर से तात्पर्य है रो, या कितनी लाइनें हैं। उसके बाद स्टेप थ्री में हमें काय वर्ग की टेबल वैल्यू निकालनी है, और स्टेप फोर में जो है हमें सार्थकता बतानी है। क्योंकि आप टी परीक्षण कर चुके हैं अब ये प्रोसीजर आपके लिए निश्चित ही आसान होगा। अब हम स्टेप वन से शुरुआत करते हैं। हम दोनों चीजें देखेंगे कि गणित किस प्रकार का रहेगा और हम इसे कैसे करेंगे। मैं अभी के लिए इस सूत्र को भी हटा देती हूँ, हमें जगह की थोड़ी आवश्यकता है। अब जैसा कि हमने अभी जो उदाहरण लिया था उसी से हम चलते हैं आगे, ताकि आपको वो समझ में आए। पेपर में आपको इस प्रकार से गणित दिया जाएगा, जगह का कम से कम इस्तेमाल करते हैं। पहली प्रतिक्रिया आपको है हाँ, नहीं, और अंतिम प्रतिक्रिया जो है वो है अनिश्चित। पेपर में आपको पूछा जाएगा कि 120 लोगों से एक सर्वेक्षण किया गया, सर्वेक्षण में प्राप्त आंकड़े इस प्रकार के हैं, इन आंकड़ों में प्रतिक्रियाओं में सार्थक अंतर है या नहीं, इसको आप 0.05 स्तर पर बताइए। इस प्रकार से पेपर में गणित आपको पूछा जाएगा। मैं जगह की बहुत ही किल्लत है, थोड़ा इसको ऊपर लिख देता हूँ। 120 लोगों के प्रतिक्रियाओं की
सार्थकता 0.05 स्तर पर बताओ। इस प्रकार से अगर आपको पेपर में गणित पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपको तीन प्रतिक्रियाएं दी गई है, जितने भी पर्याय यहाँ पर रहेंगे उन्हें हम प्रतिक्रिया कहेंगे, ठीक है। कितनी प्रतिक्रियाएं हैं उसे देखना हमारे लिए आवश्यक है। कभी ये उदाहरण ये भी हो सकता है कि महाविद्यालय में यूनिफॉर्म का रंग क्या हो, इसके लिए पर्याय पूछे गए, तो लोगों ने पांच रंग बताए, तो यहाँ पर पांच कलर लिखे होंगे, पांच रंग लिखे होंगे, तो पांच प्रतिक्रियाएं हैं। कभी आपको सवाल अगर पूछा गया, एक सर्वेक्षण किया गया कि गर्मी की छुट्टियों में आप कहाँ घूमने जाना चाहते हो, तो लोगों ने तीन पर्याय बताए, कोई शिमला जाना चाहता है, कोई कश्मीर जाना चाहता है, कोई नैनीताल जाना चाहता है, तो वहां पर तीन प्रतिक्रियाएं काउंट होंगी। कोई गोवा जाना चाहता है तो चार गांव हो जाएंगे, सिटीज हो जाएंगे, तो चार प्रतिक्रियाएं काउंट होंगी। इस प्रकार से यहाँ पर हम जो गणित देख रहे हैं इसमें तीन प्रतिक्रियाएं दी गई है और 120 लोगों में से कितने लोगों ने कौन कौन सी प्रतिक्रिया दी उसके नंबर भी आपको दिए जाएंगे। हाँ 120, ठीक है। इसकी टोटल 120 आती है, पांच और पांच दस, एक तीन चार और एक पांच और एक पांच और बारह, 120, ठीक है। तो यहाँ पर n जो है वो हमें 120 दिख रहा है। इस प्रकार से गणित आपको पेपर में रहेगा। सबसे पहले गणित शुरू करते समय हमें सबसे पहली स्टेप जो करनी है वो ये करनी है इनको हमने नाम दे दिया प्रतिक्रियाएं, क्योंकि ये सारी प्रतिक्रियाएं हैं और यहां से अब गणित शुरू होगा। जो आंकड़े हमें पेपर में दिए गए हैं उन्हें सबसे पहले हम यहाँ एक कॉलम हमने बढ़ा लिया है और यहाँ सबसे पहले हम एक नाम देंगे, हम इन्हें कहेंगे FO। थोड़े बड़े अक्षर में अगर लिखने की आवश्यकता है आप ठीक से देख पाए इसलिए, इसको हमने कहा है FO। FO मतलब हमने पहले लिखा था ये है अपेक्षित निरीक्षित वारंवारिता। निरीक्षित वारंवारिता मतलब सर्वेक्षण में मिले हुए आंकड़े। अब जैसा कि हमने सूत्र देखा था काई स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफओ माइनस एफ स्क्वायर अपॉन एफ ई, तो हमें गणित करने के लिए दो मूल्य चाहिए, एक है एफओ और एक है एफ ई। तो एफओ ये हमारे पास, एफओ का मूल्य हमें निकालना नहीं पड़ता है, कृपया इसे नोट करें। परीक्षण के जितनी भी प्रतिक्रियाएं दर्ज की गई होंगी, जिस प्रकार का डेटा दिया गया होगा, वही आपकी फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व अर्थात निरीक्षित वारंवारिता अर्थात एफओ है। आपको सिर्फ उसे नाम देना है कि ये एफओ है, ये पहला हो गया। उसके बाद हमें जो है हमें गणना करनी है, एफओ के बाद हमें आवश्यकता होगी एफई, एफई की वैल्यू हमें निकालनी। एफई की वैल्यू कैसे निकालनी है इसे हम ठीक से समझते हैं। आपके नोट्स में भी लिखा हुआ है एफई इज इक्वल टू एन डिवाइडेड बाय प्रतिक्रियाओं की संख्या, एन डिवाइडेड बाय प्रतिक्रियाओं की संख्या। अब इस गणित में आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने बताया कुल प्रतिक्रियाएं कितनी है उन्हें जोड़ लेना है n निकालने के लिए, तो इसमें 120 है, 120 और प्रतिक्रियाएं कितनी है एक दो और तीन, तो यहां उत्तर आएगा 40, एफ ई की वैल्यू आ जाएगी 40। अगर यहाँ n 120 था और प्रतिक्रियाएं दो होती, अगर हाँ और ना ना इतने ही पर्याय होते तो हम 120 को दो से भाग देते, अगर यहाँ पर एक चौथा पर्याय और होता तो हम 120 को चार से भाग देते। अभी यहाँ तीन पर्याय है इसलिए हमने 120 को तीन से डिवाइड किया है और उत्तर आया है 40। तो सबसे पहली बार आपको ये एफ ई की जो मूल्य है संख्या है वो निकालनी है। और एक और चीज का ध्यान रखेंगे एफ ई के विषय में, एफ ई फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड की जो भी मूल्य आएगा, जो भी संख्या आएगी, वो इन सभी जगहों के लिए एक ही रहेगी। एफ ई की जो वैल्यू है फ्रीक्वेंसी एक्सपेक्टेड, क्योंकि हर पर्याय के लिए समान संभाव्यता हम मान रहे हैं, तो जो संख्या है वो एफ ई की सभी जगह पर समान ही लिखनी है। इसमें कोई भी कंफ्यूजन की बात नहीं होनी चाहिए कि एफ ओ की वैल्यू हर जगह अलग है तो एफ ई की एक ही कैसे हो सकती है। एफ ई हम ये मान चल रहे हैं पहले ही थियरी के हिसाब से,
और ये हमें सर्वेक्षण में मिली हुई है, इसलिए वो भिन्न है और इसलिए एफ ई जो है वो समान संख्या है। अब सूत्र जो है एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर, समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर। तो एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर करने के लिए हम पहले स्टेप में निकालेंगे इस टेबल की एक और आप खूबी देखेंगे, हमेशा हम सूत्र लिखते हैं और नीचे नीचे गणित करते जाते हैं, इसमें हमें सूत्र इसके साथ साथ ही लिखना है एफ ओ माइनस एफ ई, ये पहले स्टेप में निकालना है। उसके बाद आपको निकालना है एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर और आखिरी के स्टेप में आपको निकालना है एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई और अंत में इन सबको जोड़ देना है, बस। इसी प्रकार से ये काय वर्ग का मूल्य निकलेगा, इसको आगे देखते हैं। एफ ओ के मूल्य हमारे पास है और एफ ई के मूल्य भी हमारे पास है। पहले स्टेप में हमें करना है एफ ओ माइनस एफ ई, 70 में से 40 गए 30, 35 में से 40 गए 5 और 15 में से 40 गए -25, ठीक है। अब यहां पर जो है एफ ओ माइनस एफ ई का स्क्वायर करना है, 30 का वर्ग हो गया 900, 5 का वर्ग होता है 25 और 25 का वर्ग होता है 625, क्योंकि यहाँ ये -25 है, इसका वर्ग होने के तुरंत बाद ये जो संख्या है वो प्लस हो जाएगी। तो ये मेरे पास आ गया एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर की वैल्यू। अब नेक्स्ट स्टेप में मुझे करना है एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, मतलब ये जो एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर की वैल्यूज है इसे मुझे एफ ई से भाग देना है। अब ये चीज आप फिर से ध्यान रखेंगे कि भाग देने वाली संख्या फिर से समान होने वाली है सभी जगहों पर। तो यहां पर ये आ जाएगा 900 डिवाइडेड बाय 40, यहां पर आ जाएगा 24 डिवाइडेड बाय 40 और यहां पर आ जाएगा 625 डिवाइडेड बाय 40। इसको इसके आगे की कैलकुलेशन देखते हैं। 900 डिवाइडेड बाय 40, इसका जवाब आता है 22.6। 25 डिवाइडेड बाय 40, इसका जवाब आता है 0.625 और 625 डिवाइडेड बाय 40, ये आता है 15.6। अब हमें अंत में इसे क्या करना है, समेशन ऑफ एफ ओ, इस तरह से लिखते हैं इसे। सूत्र जैसे हमने देखा था काय स्क्वायर इज इक्वल टू समेशन ऑफ एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई, ये जितने भी मूल्य हमारे पास है एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर अपॉन एफ ई के तीन मूल्य है, इन तीनों को अगर हम जोड़ देंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 38.3। ये जो वैल्यू है ये हमारी काय वर्ग की वैल्यू है, काय स्क्वायर इज इक्वल टू 38.8। यहां पर हमारा जो है स्टेप वन जो है वो क्लियर हुआ, हमने काय वर्ग की वैल्यू निकाल ली है, ठीक है। मैं फिर से एक बार दोहराती हूं, फिर इसे मिटाकर हम आगे की स्टेप देखेंगे। जब आपको काय वर्ग का गणित दिया जाता है तो आपको कुछ प्रतिक्रियाएं जो सर्वेक्षण में या संशोधन में निहित थी वो दी जाती है, उसके साथ उसकी जो निरीक्षित वारंवारिता है मतलब संशोधन में मिले जो आंकड़े है वो आपको दिए जाते हैं। गणित को शुरू करते समय सबसे पहले आपने जो आंकड़े आपको परीक्षण के दिए गए हैं, संशोधन के दिए गए हैं, उनको आपने नाम देना है FO, ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑब्जर्व्ड। उसके बाद पहले स्टेप में आपको करना है FE निकालना है। FE निकालने के लिए तीनों प्रतिक्रियाओं या तीन या जितनी भी प्रतिक्रियाएं होंगी उनका जोड़ निकालना है जो कि होगा N, और जितनी भी प्रतिक्रियाएं होंगी जैसे इसमें है तीन, कभी चार हो सकती है, पांच हो सकती है, दो हो सकती है, तो जितनी भी प्रतिक्रियाएं होंगी उस संख्या को उससे भाग देना है। जैसे यहाँ n था 120, हमने उसको डिवाइड किया तीन से तो उत्तर आया 40, तो एफ ई की जो वैल्यू है वो तीनों जगह लिखनी है, वो सेम टू सेम आएगी, उसमें कोई बदल नहीं होगा। उसके बाद हमें निकालना है एफ ओ माइनस एफ ई, हमने एफ ओ में से एफ ई को माइनस किया फिर वैल्यूज निकाली, फिर हमने किया एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर, यहाँ जो वैल्यू थी एफ ओ माइनस एफ ई की उसको हमने स्क्वायर किया, फिर एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एफ ई, एफ ओ माइनस एफ ई स्क्वायर के ये वैल्यूज है और ये एफ ई के वैल्यूज है, इनका भागा कर कर हमको फिर से तीन, क्योंकि तीन प्रतिक्रियाएं हैं तीन मूल्य मिले, अंत में हमने जो है इसकी टोटल की है और काय वर्ग का कैलकुलेटेड वैल्यू हमें मिल गया है। ये अंत में जो मिला है ये क्या है,
काय वर्ग का कैलकुलेटेड वैल्यू है। ठीक है, अब इसके आगे के स्टेप्स देखते हैं। स्टेप वन में हमने काय वर्ग की जो है कैलकुलेटेड वैल्यू जो है हमने निकाल ली है। अब इसके बाद आपको याद होगा हमें क्या करना है, काय वर्ग की कैलकुलेटेड वैल्यू के बाद अब हमें निकालना है, देखिए ये हमारा स्टेप वन, काय वर्ग की कैलकुलेटेड वैल्यू हमारे पास आ गई है, वो है 38.8। ये हमारा हो गया स्टेप वन। स्टेप टू में हमें करना है डीएफ। डीएफ का सूत्र है सी माइनस वन इंटू आर माइनस वन। इसे हम समझेंगे, कॉलम क्या है और रोज क्या है। जैसा कि हमने गणित किया तो गणित में कॉलम कितने थे, है ना, कॉलम मतलब खड़े स्तंभ। तो जितनी भी प्रतिक्रियाएं होंगी उतने स्तंभ होंगे। जैसे यहां तीन प्रतिक्रियाएं थी तो तीन स्तंभ थे, तो यहां पर कॉलम की वैल्यू क्या हो जाएगी, तीन। अगर कभी पांच प्रतिक्रियाएं रही तो सी की वैल्यू आप पांच लेंगे, कभी दो प्रतिक्रियाएं रही, दो स्तंभ रहेंगे गणित में, तो आप उसकी वैल्यू इस हिसाब से लेंगे। और रोज मतलब लाइनें, इसमें हमें हमेशा रोज की वैल्यू हम हमेशा दो ही लेंगे, एफ ओ और एफ ई, बाकी तो हमने उसका पूरा गणित किया है। तो सी की जो वैल्यू है वो हर गणित में बदलती रहेंगी प्रतिक्रियाओं की संख्याओं के हिसाब से, लेकिन आर की वैल्यू जो है वो हमेशा दो ही रहेगी। इसे आप गार्ड बांध लीजिए। अब इसको जब मैं करती हूं दो, इसमें गुणाकार करना है, अब यहां मेरी डीएफ की वैल्यू आ गई दो। पहले स्टेप में मैंने कैलकुलेटेड वैल्यू निकाल ली, दूसरे स्टेप में मैंने डीएफ की, इस प्रकार से मैंने डीएफ की वैल्यू निकाल ली जो है दो। और गणित में मुझे सार्थकता स्तर क्या पूछा है, सार्थकता स्तर हमने देखना है 0.05। मैं इसे थोड़ा आराम से फिर से ऊपर लिख लेती हूं, 0.05। तो स्टेप टू में हमने डीएफ की वैल्यू निकाली जो की है दो, तो ये एक वैल्यू हमारे पास आ गई, ये दूसरी वैल्यू आ गई। अब स्टेप थ्री में हमें क्या करना है, सार्थकता स्तर 0.05 और डीएफ दो, इन दोनों को मिलाकर हमें क्या करना है, काय वर्ग की, डीएफ हम पहले लिखेंगे दो और सार्थकता स्तर 0.05 के हिसाब से टेबल वैल्यू निकालनी है। काय वर्ग की है, यहां हमें निकालनी है टेबल वैल्यू। काय वर्ग की टेबल वैल्यू आपको उसी प्रकार से टेबल में देखनी है, डीएफ कितना है और लेवल कौन सा देखना है, और वो है 5.99। ये तीसरे स्टेप में जो है काय वर्ग की टेबल वैल्यू भी हमारे पास आ गई है। ये कैलकुलेटेड वैल्यू है, ये डीएफ है, ये सार्थकता स्तर है, और ये अंत में हमारे पास आ गई है टेबल वैल्यू काय स्क्वायर की। तो स्टेप फोर में अब मुझे क्या बताना है, आपको पता है प्रतिक्रियाओं के अंतर की सार्थकता सिद्ध होती है या नहीं। अब नियम वही है, अगर काय वर्ग की कैलकुलेटेड वैल्यू काय वर्ग के टेबल वैल्यू से बड़ी है तो सार्थकता सिद्ध होती है। अब यहां कैलकुलेटेड वैल्यू है 38, टेबल वैल्यू है 5.9, तो कैलकुलेटेड वैल्यू निश्चित रूप से टेबल वैल्यू से बड़ी है। तो अंत में हमें क्या लिखना है, काय वर्ग इज इक्वल टू 38.8, इसीलिए सार्थकता सिद्ध होती है। इस प्रकार से काय वर्ग के चार स्टेप जो है वो पूरे हो जाते हैं। मेरा मानना है कि क्योंकि आप टी परीक्षण इसके पहले कर चुके हैं, आपको ये गणित ज्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। दो ही चीजें इसमें महत्वपूर्ण ध्यान रखनी है कि काय वर्ग की वैल्यू कैसे निकालते हैं वो सूत्र, और एफ ई की वैल्यू लेते समय
एन डिवाइडेड बाय प्रतिक्रियाओं की संख्या। ये दो मूल्य अगर आप ठीक से निकाल लेते हैं तो डीएफ की वैल्यू निकालना, टेबल वैल्यू निकालना और अंत में सार्थकता बताना, इसमें आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मैं चाहती हूं कि आप ये वीडियो ट्यूटोरियल एक बार दो बार अच्छे से देखें, हर स्टेप को समझने की कोशिश करें। ट्यूटोरियल के साथ मैं कुछ प्रॉब्लम्स आपको प्रैक्टिस के लिए भी दे रही हूँ, उसको आप अच्छे से करें। कुछ भी आपको क्वेरी है तो मुझसे कॉन्टैक्ट करें, और अगर आप इसे समझ जाते हैं तो उसका भी फीडबैक जरूर दें।